نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم

क्लासेस चल रही हैं आज हम बात करेंगे हिजरत हबशा के हवाले से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को सहबा कर को हबशा की तरफ हिजरत कर हिजरत करने का हुक्म दिया अब सवाल पैदा होता है कि आप अलैहि वसल्लम ने हबशा का इंतखाब क्यों किया हालांकि और भी तो मुल्क मौजूद थे मदीना भी मौजूद था आप अलैहि वसल्लम मदीना की तरफ हुक्म देते हैं, लेकिन आप अलैहि वसल्लम ने हबशा का इंतखाब किया उसकी वजह क्या है उसकी अहम तरीन वजह ये है कि हबशा का बादशाह शाह हबशा नजाशी बादशाह मजलूमों का साथ देने वाला आदिल बादशाह था इंसारीत का साथ देने वाला था आदल से काम लेने वाला था इंसाफ़ से काम लेने वाला था और मजलूमों के साथ खड़ा होने वाला था और उसकी अदालत और मजलूमों का साथ देना ये आम था इसलिए आप सल्ह वसल्लम ने सह के राम को हुक्म दिया कि हबशा का इंतखब किया जाए शाह नजाशी के पास शाह हबशा के पास जाकर पनाह ली जाए आप अलैहि वसल्लम ने जब ये हुक्म दिया तो ये, तो ये इस्लाम की इसे पहली हिजरत कहते हैं इस वक्त पंद्रह लोग थे ग्यारह मर्द और चार औरतें थीं जिन्होंने हबशा की तरफ हिजरत की और ये हिजरत क्यों की इसलिए कि मक्का के अंदर क्रैशी सितम की वो इंतहा कर चुके थे इन कलमा पढ़ने वालों को सहबा के राम की जमात को सहबा के राम की जमात पर सितम के पहाड़ तोड़ चुके थे तो आप सल्लल्लाहु सल्हु वसल्लम ने हबशा का इंतब फरमाया तो पंद्रह लोगों ने हबशा की तरफ हिजरत की और वहाँ जाकर पनाह ली लेकिन कुछ अरसे के बाद जब ये बात फैल चुकी थी ये बात आम हो गई कि अब इस्लाम का दायरा वसी होता जा रहा है और मजीद लोग मुसलमान होते जा रहे हैं तो ये वापस आ गए हबशा को छोड़ दिया और ये वापस आ गए और आप वापस यहाँ मक्का में आकर आबाद हुए और लोगों के यहाँ आकर पनाह ली फिर आप वसल्लम ने फिर से इन्हें दोबारा इन्हें हिजरत करने का हुक्म दिया फिर कुरैश ने फिर इन पर ितम शुरू कर दिया जो बात फैल चुकी थी वो बात गलत थी कुरैश पहले कितने मुसलमानों पर जुल्म और ितम के पहाड़ तोड़ रहे थे आप सल्ला वसल्लम ने इन्हें दोबारा हबशा हिजरत करने का हुक्म दिया और ये हबशा की तरफ दूसरी हिजरत है इस वक्त जिन्होंने हबशा की तरफ हिजरत की तकरीबन वो त्रियासी अफराद थे बाज़ ने बयासी अफराद कहा हैत्बार को शामिल नहीं किया और बाज ने त्रियासी अफराद हज़रत अम्बार को शामिल करके त्रियासी अफराद थे और बीस औरतें थीं जिन्होंने हमशा की तरफ दूसरी हिजरत की और उनमें हजरत ओसमान बिन अफ़्फान भी शामिल थे रसूलुल्लाह रसूल अलैहि वसल्लम की साहबजादी हजरत रुकै भी शामिल हैं, हैंजरत ज़ुबैर भी शामिल हैं, हैंजरत जाफ़र भी शामिल हैं और कई एक सहाबा कराम शामिल हैं जिन्होंने हबशा की तरफ ये दूसरी हिजरत की जब ये हबशा पहुँचे बड़े जुल्म षितम बर्दाश्त करके बड़ी मुश्किल बर्दाश्त करके मसायब अबूर करने के बाद ये हबशा जाकर पहुँचे तो पीछे से मक्का वालों ने दो बंदू को भेजा शाह हबशा के पास उनमें से एक का नाम अब्दुल्ला बिन रबिया है और दूसरे का नाम अमर बिन आस है ये दो तोहे तहफ लेकर पहुँचे वजीरों के पास और शाह हबशा के मुशीरान के लिए तोहफे तहाइफ और शाह हबशा के लिए तोहफे तहफ लेकर वहाँ पहुँचे यहाँ रुक कर मैं एक बात करता हूँ कि शाह हबशा शाह हबशा ये ताबी है ये सहाबी नहीं है सहाबा कि राम से शाह हबशा की नजाशी बादशाह की मुलाकात हुई है तो जिसकी सहाबा से मुलाकात हो उसे ताबी कहते हैं और बाज ने इसे मुखजर अमीन सहाबा में भी शामिल किया है मुखज अमीन सहाबा वो होते हैं जिन्होंने रसूल अलैहि वसल्लम का ज़माना पाया हो आप पर ईमान भी लेकर आए हों लेकिन आपसे मुलाकात ना कर सके हों तो उन्हें मुखज अमीन सहाबा कहा जाता है वैसे असल हकीकत बात यह है कि शाह ताबी हैं इनकी मुलाकात सहाबा के नाम से हुई है और फिर तीसरी बात आपके सामने ये बता दूं ये बताता हुआ चला जाऊं कि हबशा का जो बादशाह नजाशी बादशाह था वो बड़ा आदिल बादशाह था उसने इस्लाम कबूल कर लिया था उसने और उसने हजरत उम्मे हबीबा ये उम्म बहा ममिन में इसका शुमार होते हैं उम्मे हबीबा बिनती अबी सुफियान है ये इनके शौहर का वहाँ इंतकाल हो गया तो हजरत उम्मे हबीबा का निकाह नजाशी बादशाह ने पढ़ा दिया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आप सल अल्लाह वसम के साथ निकाह पढ़ाया और मेहर उसने अपनी तरफ से अदा की और उम हातमिन में से सबसे ज़्यादा जो हक मेहर थी वो हजरत उम्मे हबीबा की थी इसलिए कि उम्मे हबीबा की जो हक मेहर है वो नजाशी बाशाह ने अपनी तरफ से जो है वो अदा की थी रसूल सल्हुसम ने अदा नहीं किया रसूल्लाह की तरफ से उसने अदा किया शाह अब ने और उम्म हबीबा को आप अलैहि वसल्लम की तरफ उसने रवाना कर दिया तो यहां से पता चलता है कि अगर अगर दुल्हा मौजूद नहीं है दुल्ह और दुल्हन का फासला है तो उनका निकाह निका कबूल हो जाए तो उनका निकाह हो सकता है शर्त यह है कि गवाह होने चाहिए और वली होना चाहिए और माहर तय हो जाए तो निकाह हो सकता है जैसा कि हब्बाज नजाशी बादशाह ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह पढ़ाया ये शाह हबशा नजाशी बादशाह जब इसका इंतकाल हुआ तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका गायबाना नमाज जनाजा पढ़ाया क्योंकि वो बहुत दूर थे अब सहाबा के नाम वहाँ पहुँच नहीं सकते थे रसूल ला सल्ह वसल्लम वहाँ पहुँच नहीं सकते थे तो आप सल्ला वसल्लम ने सहबा के नाम से कहा कि शाह हमशा नजाशी बादशाह फौत हो चुका है आइए हम उसका नवाज़ जनाजा अदा करते हैं गायबाना नवाज़ जनाजा अदा करते हैं तो इससे मसला ये निकलता है कि अगर कोई बड़ी शख्सियत फौत हो जाए उसका इंतकाल हो जाए तो उसका गैबाना नवाज़ जनाजा हो सकता है अगरचि इस मसले में फिक्री इख्तलाफ मौजूद हैं लेकिन एक राय यह भी पाई जाती है कि चूंकि रसूल वसल्लम ने हबशा के बादशाह का नमाज जनाजा गैबाना पढ़ाया था तो इसलिए बड़ी शख्सियात का नमाज नमाज जनाजा गैबाना हो सकता है खैर दो शख्स वहाँ हबशा पहुंचे तोहफे तहफ लेकर जब हबशा वहां पहुंचे तो शाह हबशा से इनकी मुलाकात हुई और जाकर कहा कि हमारे मुजरिमीन आपके पास आ चुके हैं इन मुजरिमीन को हमारे हवाले कर दीजिए शाह हबशा नजाशी बादशाह ने त्रियासी अफराद को बुलाया इन तमाम मुसलमानों को बुलाया और कहा कि बात यह है कि ये मुतालबा करते हैं कि यह हमारे मुजरे में है इनको हमारे हवाले कर दीजिए आप लोगों की क्या राय है तो शाह हबशा की दरबार में खड़े होकर हजरत जाफर तैयार यह तैयार इनका लकब है इनका दूसरा लकब जुल जिनाहन भी है हजरत जाफर तैयार ने नजाशी बादशाह के सामने खड़े होकर खिताब किया तकरीर की। जाफर तैयार ने कहा आए बादशाह सलामत या अयूहल मलिक आए बादशाह सलामत बात ये है कि हम बुतप्रस्त थे हम मुशर थे हम बुद्धू की पूजा करने वाले थे हमारे अंदर सेला रहमी नहीं थी हमारे अंदर पाक दामनी नहीं थी हमारे अंदर इफत नहीं थी हमारे अंदर कता रहमी थी हमारे अंदर झूठ था हमारे अंदर बहतान था हमारे अंदर जो है वो सारे धंधे मौजूद थे एक ऐसा रसूल अल्लाह तबारक व तआला ने हमारी तरफ भेजा है ऐसा रसूल जिसके नसब से हम वाकिफ़ हैं जिसकी अदालत से हम वाकिफ हैं जिसकी सदाकत से हम वाकिफ हैं जिस की दियानस से हम वाकिफ हैं उसका जुर्म और कसूर ये है कि वो हमें तोहीद का हुक्म देता है वो हमें शिरक से रोकता है वो हमें सैला रही का हुक्म देते हैं वो हमें यतीमों के हुकूक बताते हैं वो हमें कमज़ोरों के हुकूक बताते हैं वह हमें मसाकिन के हकूक़ बताते हैं वह हमें सच बोलने का कहता <us> है वो हमें इफत इख्तियार करने का कहते हैं और अल्लाह वहदहु वा शरीक की इबादत का हुक्म वो हमें देते हैं अब ये लोग कहते हैं कि उस रसूल की बात को तस्लीम जो है वो ना करो अब आप बताइए कि हमें इन इस हवाले से हमें क्या करना चाहिए छाही अब ने कहा कि वो कुरान वो अल्लाह का कलाम जो तुम्हें सुनाते हैं वह अल्लाह का कलाम मुझे सुनाइए हज़रत जाफ़र तैयार रजी अल्लाह तू ने मरियम की इब्तदाई आयात को पढ़ा काफ हा याहमत रबी का आबद जकरिया इब्तदाई आयात को पढ़ा जैसे वो पढ़ते चले गए तो शाह हबशा के ऊपर कुरान का असर होता चला गया और जितने लोग वहां मौजूद थे सबके सब की आंखों से आंसू जारी हो गए और एक हैबत और खशियत वाली कैफियत जो है वो पैदा हो गई शाह हबशा ने कहा कि बात यह है कि मुझे तो ऐसे मासूस होता है कि हजरत ईसा के ऊपर जो कलाम उतरा था वो कलाम और ये कलाम मुझे तो एक ही तरह मासूस होते हैं एक ही तरह मालूम होते हैं अमर बिन आस ने कहा कि इनसे पूछिए कि के, के हवाले से इनका क्या अकीदा है हजरत जाफर तैयार ये बड़ा अहम तरीन सवाल था अब वो चूंकि ईसाई था नजाशी बादशाह ईसाई था ईसाई मजहब को तस्लीम करने वाला था जब उसने यह कहा यह बड़ा कमजोर पॉइंट था हजरत जाफर तैयार ने कहा कि मैं सच ही बोलूंगा कहा कि वो अल्लाह का बंदा है वो अल्लाह का रसूल था वो अल्लाह का कलमा था वो अल्लाह का था। रूह था रूहुल्ला था वो अल्लाह का बंदा था हजरत जह जाफर ने जब यह बात कही तो नजाशी बादशाह ने कहा अल्लाह की कसम हजरत ईसा अलात वसलाम उसने जमीन से एक तिनका उठाया एक तिनका उठाया और कहा कि हज़रत ईसा आ सलात सलाम अगरचे वो अल्लाह के बंदे अल्लाह के रसूल हैं लेकिन अल्लाह के मुकाबले में उनकी जो हैसियत हैं वह इस तिनके के के से ज़्यादा भी उनकी हैसियत जो है वो नहीं है क्योंकि वो अल्लाह के बंदे हैं अल्लाह के रसूल हैं वो वो अल्लाह का कलमा थे वो अल्लाह का रू थे और उसके बाद उसने अबरबन आस और बिन रबिया से कहा बात यह है कि तुम वापस चले जाओ तुम वापस चले जाओ मैं इन अफराद को मक्का के अंदर नहीं भेजूंगा ये यहाँ रहेंगे ये यहाँ रिहायश इख्तियार करेंगे ये मेरी पनाह में हैं, मैं इनको पनाह देता हूँ, अल्लाह अकबर हजरत अमर बन आस दिल से उन्होंने तस्लीम कर लिया इस्लाम को कबूल कर लिया दिल से कहा जाता है महर्रखी ने यह बात लिखी है के शाह हबशा वो ताबी हैं जिसके हाथ पर एक सहाबी ने इस्लाम कबूल किया ये बड़ी अहम तरीन बात है बड़े नुकते की बात है यानी ताबी के हाथ पर एक सहाबी इस्लाम कबूल कर रहा है वह कौन है वह अमरबन आस हैं अम्र बन आस को सहाबियत का शरफ हासिल हुआ और शाह हबशा वो ताबी थे ताबी के हाथ पर इन्होंने इस्लाम कबूल किया तो फिर जब वो वापस नाकाम होकर मक्का में आ गए मक्का में वापस आ गए मक्का वालों को आकर ये रिपोर्ट पेश की और उधर मक्का के हालात को इस तरह तब्दील हो रहे थे बड़ी तेज़ी के साथ कि मक्का में हजरत हमज़ा हजरत हमजा रसूल सल्लम के चचा थे और रसूल सल्ला वसलम के भाई भी थे भाई भी थे हजरत सोबिया का दूध मिलकर पिया था रज़ाई भाई भी थे दो तीन साल उम्र में बड़े थे हजरत हमजा रसूल सल्ह वसलम के चचाओं में से हजरत हमजा और हजरत अब्बास ने इस्लाम कबूल किया हजरत हमजा को रसूल ने का शहदाक अता किया हज़रत हमजा को सैदुल शदा का रकबता किया दो बड़े अहम तरीन वाकयात हैं तारीख़ इस्लाम के दो बड़े अहम तरीन वाकयात उनमें से एक वाकई अहम तरीन हजरत हमजा रजील तैयदा हैं ये इस इन्होंने इस्लाम कबूल किया और कैसे इस्लाम कबूल किया ये भी बड़ी एक तारीख है मेरे भाइयों ये भी मैं आपके सामने बयान करता चला जाऊं। एक दिन अबू जहल ने रसूल अलैहि ला वसल्लम की तोहीन की और आप अलैहि वसल्लम को उसने कमान मारी जिससे खून का फवारा छूटा शाम के वक़्त जब सईदा हजरत हमजा रजी अल्लाह अन्हु को पता चला इस बात का तो वो सीधा अबू जहल के पास पहुंचा और जाकर उसी तरह उसे कमान मारी और खून का फवारा उसी तरह जो है वह फूटा उसके सर से और हजरत हमजा ने कहा कि मैं मुसलमान हो चुका हूं आपका जो जीचा है मेरे साथ कर लो हजरत हमजा रजी अल्लाह तुने रसूल्लाह का बदला भी लिया और इस्लाम कबूल किया लेकिन यह इस्लाम हमीत की बुनियाद के ऊपर था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सार अरकम में यह इस्लाम का एक मदरसा था दार अरकम वहाँ रसूल अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाते हैं आप के पास पहुँचे चचा कहा भतीजे मैं तेरा जो है वो बदला ले चुका हूँ आप अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे क्या फ़ायदा आप इस्लाम कबूल कर लें मुझे फिर फ़ायदा होगा उस वक़्त कहा अशहादम अशहद की शहादत देता हूँ के अलावा कोई मबूद नहीं और आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं इस्लाम कबूल कर लिए और दूसरा वाक्य हजरत हमजा रजी अल्लाह के चंद एक दिन के बाद हजरत खलीफानी हजरत उम्र फारूक रजी अल्लाह हो रसूल सल्ह वसलम ने जिन्हें दुआएं मांग मांग कर अल्लाह तला से अल्तजाय करके हजरत उमर बिन खत्ताब को मांगा खलीफा खलीफानी हजरत उमर बिन खत्ताब इन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया, ये दो बड़ी अहम शख्सियात थी हजरत हमजा का मुसलमान होना और हजरत उमर बन खत्ताब का मुसलमान होना जब ये मुसलमान दो हो गए और इनका इस्लाम आहस्ता आहस्ता जो है वो फैलने लगा तो वो सहाबा के राम जो हबशा के अंदर मौजूद थे उन्होंने कहा कि अब हालात जो है वो बेहतर हो चुके हैं अब वो वापस उन्होंने जो है बक्का का रुख किया और वह भबशा से दोबारा जो है बक्ा में तशरीफ ले आए और ये नबूवत के सातवें साल का जो है वाक़ है मेरे भाइयों नबूवत के सातवें साल जब बड़ी बड़ी शख्सियात कमज़ोर लोग तो इस्लाम में दाखिल हो रहे थे इस पर कैशियों को इतना सदमा नहीं था जितना के मक्का के मुज्ज़ तरीन लोग इस्लाम में दाखिल हो रहे थे और उनको सदमा पहुँच रहा था अब उन्होंने बड़ी हाशिम के साथ और रसूल के साथ हमेशा हमेशा के लिए बईकाट का ऐलान कर दिया कि हम बनी हाशिम के साथ बैकाट करते हैं हम लॉकडाउन करते हैं आज कल की जदीद असलाह के मुताबिक लॉकडाउन सोशल जो है वो बईकाट इकतियात और मुआशरती जो है वो बईकाट कर दिया और एक जो है वो जो है वो मुआहदा तैयार किया कि इनके साथ को लेना देना ख़त्म कर दिया जाए चुनाचे बड़ी हाशिम और रसूल अलैहि वसल्लम ने शेब अबी तालब ये एक घाटी थी ये एक मक्का के करीब एक घाटी थी वहाँ जाकर जो है वो पनाह ली यहाँ से फिर बाद का जो है वो आगाज करेंगे जो कुछ बयान किया अल्लाह तबारक व ताला इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए कुरान और हदीस की फहम अता फरमाए अकूल कौली हादा अस्तगफिरुल्लाह ली वलकुम वलिसाइरिल मुस्लिमीन